हरे कृष्ण। मेरे सभी दर्शकों को कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे हो आप। मेरा पिक्चर आ रहा होगा, मैं दिख रहा होऊंगा आपको अच्छे से, क्योंकि बैक कैमरा से बना रहा हूँ ना, इसीलिए फ्रंट कैमरा से नहीं। तो सुबह का वक्त है, अभी 5:45 हुए हैं, जो कि मेरा रोज़ का उठना है। और आज हम सीखेंगे भगवद्गीता के 2 श्लोक के ऊपर। जैसे कि मैंने भगवद्गीता लर्निंग्स पे एक सीरीज़ चलाई हुई है, तो अभी तो मैं अपने वर्क प्लेस में हूँ, घर से आ चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे कि एक असली योगी कौन है, कि एक असली इंसान, एक असली ब्रह्मचारी या फिर एक असली भगवान को भजने वाला भक्त कौन है। तो सिक्स चैप्टर में भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न विधि बोधस्य योग भवति दुखः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि युक्त आहार और विहार, मतलब जो लिमिटेड खाता है, आहार विहार, घूमता फिरता है लिमिटेड, सिर्फ मंदिर जाता है, सिर्फ स्कूल कॉलेज जाता है, सिर्फ ड्यूटी करता है, घर आता है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, वो चेष्टा भी मतलब वो ट्राई भी लिमिटेड करता है। जैसे कि मैं 10-12 घंटे 24 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मन लगा के 3 या 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे माइंड में वो सारी चीज़ आ गए हैं और मैं एग्ज़ाम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दे पा रहा हूँ। क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ोगे, आपका स्लीप साइकिल बिगड़ेगा, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है आपका बिगड़ जाएगा, आप नींद अच्छे से ले नहीं पाओगे, बहुत सारी बातें होती है ना। तो इस तरह से आप सर्विस में भी, आप किसी एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो, बिजनेस में भी आप चेष्टा लिमिटेड कर रहे हो। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आहार विहार मतलब आहार भी आप लिमिटेड ले रहे हो, ऐसा नहीं कि आप चाउमीन मोमो बर्गर मतलब धड़ल्ले से खाए जा रहे हो, नहीं, आप दाल चावल घर का पका हुआ अच्छा खाना खा रहे हो, राइट। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न विधि बोधस्य योग भवति दुखः। जो सोता है अच्छे तरीके से, जो अपना जो कार्य है जो वो पूरा लिमिटेड तरीके से करता है, कोई भी कार्य, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, और सिर्फ भगवान पे ही अपना बुद्धि लगाए, ठीक है, भगवान पे ही अपना बुद्धि लगाए, वही है असली योगी। और उसका ही जो है, जितना भी एस्पिरेशंस है उसके, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल, मटेरियलिस्टिक, जितने भी एस्पिरेशंस हैं वो पूरे होते हैं, भगवान कहते हैं 6th चैप्टर में, राइट। तो ये बहुत ही सुंदर सा श्लोक है। तो आज हमने ये सीखा कि लिमिटेड तरीके से अगर आप खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, तो आपका जो जीवन है, और भगवान का नाम लेते हो, तो आपका जो जीवन है बहुत ही सुखमय, बहुत ही आराम से बीतता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, असंशय, इसमें कोई शक नहीं है। तो यही हमने आज सीखा। तो भगवद्गीता सीरीज़ का ये दूसरा एपिसोड था। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप अवश्य देखिए, राइट, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, तो शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी एंग्जाइटी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, मतलब जिसका भी ज़िंदगी जा रहा है, तो उन सबको इम्प्रूवमेंट होगा उन सबके लाइफ में, इन वीडियो को अगर वो उतारते अपने लाइफ में, ओके। तो जो भी जूझ रहे हैं इस वीडियो को, मतलब जो भी जूझ रहे हैं इस वीडियो को दिखाइए, ठीक है, गलत चीज़ों से जो भी जूझ रहे हैं इस वीडियो को उन्हें दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू हैव वेरी वंडरफुल लाइफ। हरे कृष्णा।